का एक बहुत पुराना आरोप है कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, लोकसभा में उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनकी बात को, उनकी आवाज को दबाने का काम बीजेपी की सरकार करती है। और आज उन्होंने एक बार फिर अपना माइक ऑफ करने का आरोप लगाया, कहा कि जब मैं बोलने लगता हूं तो मेरा माइक ऑफ हो जाता है, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनके ये सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं। और देखिए, राहुल गांधी नए एमपी नहीं है, नए नए सांसद नहीं बने हैं, 5 बार के सांसद हैं, ये उनका 5वां टर्म है। पहली बार वो 2004 में सांसद बने थे, 5 टर्म के वो सांसद हैं। इसके बाद भी शायद उन्हें लोकसभा के कानून, लोकसभा कैसे संचालित होती है ये नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ।